नमस्कार, मैं राधा वाशने, आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आज मैं नगला अशोक गांव में प्रधान जी के यहाँ उपस्थित हूँ। पूर्व प्रधान जी साहब कुछ विकास को लेकर बात करेंगे, कुछ समस्याओं को लेकर बात करेंगे। पहले प्रधान जी का परिचय लेते हैं। प्रधान जी अपना परिचय दीजिए। ग्राम पंचायत नगला अशोक, प्रधान प्रतिनिधि इंद्रपाल सिंह। तो प्रधान जी, आपने जैसे कि आपने आप 5 साल प्रधान रहे थे, आपने क्या क्या विकास करा? हमने गांव के अंदर सीसी नाली वगैरह वो भी कराया था, और कायाकल्प के कुछ काम थे वो भी कराया है, और ये सामुदायिक शौचालय। कितने शौचालय बनवाए थे हमारे गांव के अंदर? समथिंग 600 शौचालय के समथिंग बना हुआ है। माननीय योगी जी और मुख्यमंत्री जी के आदेश पर कुछ स्कूलों में 14 बिंदु दिए गए थे, उनके आधार पर कुछ कायाकल्प काम कराए थे स्कूल में। और हमारे क्या क्या काम कराया था आपने? स्कूल कितने हैं यहाँ पर? स्कूल हमारे गांव में 4 स्कूल हैं, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय। और स्कूलों में हमने शौचालय का मरम्मत कराया था, और न्यू शौचालय बनवाए थे, बच्चों के लिए हैंडपम्प की पानी की सुविधा कराई थी, और गांव में और भी काफ़ी काम है ऐसे भी कराए। गाँव के लिए एक सामुदायिक 2 सामुदायिक शौचालय बनवाए हैं, सीसी वगैरह नाली और जो भी है, राजमिस्त्री 15 से जो भी काम होता है, माननीय योगी जी की कहना। प्रधान जी और क्या क्या कराया था, जैसे इंटरलॉक वगैरह, मतलब कितने क्या क्या? मैंने अपने गांव के अंदर जाते तो इन सीसी ज्यादा कराई हैं, सीसी इंटरलॉक वगैरह काफी कराए हैं। अब जैसे हमारे गांव खास करके वो नहीं है, वैसे हमने काफी काम करा दिया है। तो प्रधान जी मतलब क्या गांव के प्रधान थे आप? हम 2 गांव के प्रधान थे, ग्राम पंचायत नगलासू में, एक धर्मपुर भी पड़ता है हमारा मात्रा। तो प्रधान जी पोलिंग कितनी है इस गांव की? हमारे गांव की पोलिंग समथिंग 1800 के समथिंग है। 1800 के। तो आपने दोनों गांव में मतलब इतना काम करा दिया? जी, हमने दोनों गांव में इतना काम कराया है। तो प्रधान जी जैसे कि आप पहले प्रधान थे, मतलब आप क्यों नहीं चले? बाजरा में लाइट नहीं थी, लाइट भी तो लगवाई करवाई बाजरा तो हमारा। आप जो प्रधान थे, मतलब आप क्यों नहीं खड़े हुए प्रधान? नहीं, अब तो ऐसा था हमारे यहाँ, हम एससी से हैं, एससी में हमारे यहाँ सीट नहीं थी, बीसी में सीट थी, इस कारण आपके हमारा। तो आपने लाइट वगैरह कितनी क्या क्या लगाई? हमें गांव में सोलर लाइट भी लगवाई, तो प्रधान जी ये बता रहे हैं आपका जैसे स्कूल 8th तक है जी, तो 8th के बाद में स्कूल मतलब आ गए कहाँ जाते हैं बच्चे? हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर एक स्कूल है, यहाँ पे विक्रम विद्या मंदिर राजकीय इंटर कॉलेज, वहाँ बच्चे जाते हैं। तो मतलब कभी ये नहीं सोचा जैसे हाई स्कूल में हाँ जी होना चाहिए, लेकिन आगे क्योंकि हमने विकेट की है, फिक्स वगैरह लगाई है कि हमारे स्कूल में हमारे गांव के बच्चों के लिए कुछ सुविधा मिली जाए, ये भी हमने कराने के किया, प्रयास किया है। अब देखो क्या होता है, क्या होता है इसमें। तो प्रधान जी पंचायत घर मतलब आपके समय में ही था क्या? नहीं, हमारे समय पर पंचायत घर था, लेकिन हमने भी कुछ मरम्मत वगैरह कराई थी, लेकिन मरम्मत हमने भी काम कराया पंचायत घर में। अब माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेश पर दोबारा से कार्यक्रम के अच्छे से उनका सचिवालय का अच्छे से निरीक्षण हो रहा है, दोबारा से अच्छे से उनका मरम्मत किया जा रहा है। तो प्रधान जी और कुछ कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम पर, जो भी बात करना चाहते हैं सकते जी। अब ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।